लेकिन कमाल के स्कूल लाइफ है जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। लास्ट में मैं बताऊंगा कि अगर आपका भी इरेजर खो गया है तो तुरंत नया इरेजर कैसे तैयार करें। तो यार लास्ट वाला सब कोई जरूर देखना, लेकिन उससे पहले आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताओ कि आप सभी लोगों को किस चीज से लिखना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, पेंसिल से या पेन। नंबर 3, तो गाइस अगर आपका भी ड्रॉवर कुछ इस हालत में हो गया है तो चलिए इसे सही कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने इस प्रकार का एक डब्बा लेकर उसमें कुछ इस प्रकार से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद डब्बे को कुछ इस प्रकार का बना लेना है, अंदर दिखने के लिए रंगीन पेपर लगा लेना है। और गाइस अब आप अपने ड्रॉवर में पड़े सामानों को कुछ इस प्रकार अरेंज करके रख सकते हैं। नंबर 2, तो गाइस पेंसिल से लिखते लिखते अगर आपकी भी पेंसिल इतनी छोटी हो गई है तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आपने एक पेन या पेंसिल लेकर एक पेपर को कुछ इस प्रकार मोड़ लेना है और लास्ट में ग्लू लगाकर कुछ इस प्रकार चिपका देना है। सेम ऐसे ही एक और पेपर को कुछ इस प्रकार से बना लेना है, दोनों को कुछ इस प्रकार सेट कर लेना है। अब एक साइड आपने ग्लू लगा लेना है और उसके दूसरे साइड पेंसिल को कुछ इस प्रकार लगाकर अब आप इस पेंसिल को कुछ इस प्रकार यूज कर सकते हैं। नंबर 1, तो गाइस अगर आपकी भी पेंसिल का पीछे वाला इरेजर खत्म हो गया है तो सबसे पहले आपको ग्लू को पीछे साइड कुछ इस प्रकार लगा लेना है। अब थोड़ा और सुंदर दिखने के लिए इसके ऊपर ग्लिटर को डाल लेना है। तो गाइस बनके तैयार है अब जुगाड़ वाला इरेजर, जिसका यूज आप कुछ इस प्रकार इरेज करने में कर सकते हैं। गाइस है ना कमाल का जुगाड़, मतलब गजब यार।